ऑलराइट सो हे गाइस हसन रस्ते फिर भी हम चलते सो वेट तो डूड आज का जो ब्लॉग है आज हम जा रहे हैं बांद्रा और वहाँ मिनी गोवा देखने जा रहे हैं गाइस सो बहुत ही मजा आएगा मिनी गोवा मतलब मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और लोकेशन है हमारी बांद्रा तो बांद्रा हम जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ फोटो शूट भी करेंगे और भाई तो बहुत मजा आएगा आज का ब्लॉग फिर से और हाँ गाइस एक बात और बता रहा हूँ मेरे को एक जगह और जाना है टाइम मिला तो वहाँ भी एक्सप्लोर करेंगे लेने के लिए सो चलो चलते हैं अभी हम चर्च के रजिस्ट्रेशन पे अभी हम अंदर जाते हैं टिकट निकालते टिकट का फिर हमको आपको मिलता हूँ ये तो फिर आपको सो चलते और देखते और वाइट हो गए चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बहुत मज़ा आएगा आज के ब्लॉग में बेसिकली और कुछ नहीं धूप भी है सब ब्लैक्स को अभी जाते हैं चर्च के स्टेशन पे टिकट भी निकालना बहुत काम है गाइस चलो चलते सीधा चर्च के स्टेशन के अंदर टिकट निकालता हूँ फिर आपको मिलता हूँ ठीक है तो लेट्स स्टार्ट मी रिव्यू ओके फाइनली गाइस टिकट भी कटा लिया अभी हमको जाना है ट्रेन से अभी ट्रेन ब्रेक भी नहीं दिख रही है इधर मगर लाइक मज़ा बहुत आएगा आज के ब्लॉग मज़ा आएगा आज के कंटेंट मतलब बहुत ही मतलब और देखते अभी कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी अभी कौन से अभी नहीं आता पूरे प्लेटफॉर्म ही खाली देखो एक ही ट्रेन खड़ी है खड़ी है वो भी नहीं पता है चर्च के डी का चर्च के डी ठीक है ओ माई गॉड उधर एक और ट्रेन हम वहाँ से जाते हैं स्लो पकड़ते हैं स्लो उधर इतनी भी स्लो नहीं होती लोकल ट्रेन फास्ट है वहाँ से तो अभी सीधे मिलता हूँ आपको ट्रेन के अंदर और गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार गाँव में आ तो फोटो शूट का करना बनता है ना मेरी जान तो जब चलते अंदर अरे छूट नहीं जाए उससे पहला बंदा अंदर बैठ जाती वाले और बांद्रा तक तो गाइस अभी ये फास्ट है अभी ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा है ये सब पे मेरी खास बात ये वो रहती है क्योंकि लखनऊ से जा सकता है बंदा अच्छा लगता है और वो वाले डब्बे में जाने में कुछ नहीं जाएंगे मैं उसमें क्राउड को सब बात लगती है क्राउड में मज़ा नहीं आता गाइस एकदम सारे ए सी की ट्रेन तक छूट चुकी है अभी वो नहीं पकड़ सकते एक आठ दिया एक पूरा टाइम मैं बस ए नहीं दो ट्रेन के हम वेट करें अभी ये मिली हम इससे जाएंगे वहाँ से आएंगे तो कवर कर लेंगे तो ब्लॉक शुरू से देखना और अभी ये चलने वाली है अभी हम सीधे मिलते आपको बांद्रा में ठीक है तो चलते हैं तो लाइक बहुत मजा नया लोकेशन नया प्लेस पर जाना बहुत एक्साइटेड है तो वेटिंग 12:01 बजे स्टार्ट तो फाइनली बांद्रा में आ चुका हूँ अभी हम यहाँ से देखते हैं कैसे जाना है कैसे नहीं और चलो जब सफर तो अभी देखते हैं कहाँ से कैसे है लोकेशन कैसे नहीं और वाइज अभी देखते हैं ऑटो से जाना है कैसे जाना है तो चलो चलते और देखते तो फाइनली अभी हम निकल चुके हैं अभी हमको अंदर ही अंदर से जाना है और लोकेशन पर पहुँचना है आज का बहुत ही बहुत बहुत बनेगा गाइस और बहुत ही मज़ा आएगा और वैसे तो है बोलते हैं अंदर ही अंदर बहुत लंबा है तो देखते हैं कितना लंबा है कितना नहीं सो चलते हैं मज़ा करते हैं ठीक है हमको जहाँ जाना है हमको जानते रहते हैं ठीक है बहुत मज़ा आता है सब लोकेशन पर बहुत बहुत ही मज़ा आएगा मैं वेट नहीं कर सकता गाइस जाने दो जाएंगे मज़ा करके आएंगे वहाँ से हम वहाँ से आएंगे ऐसा कुछ नहीं गाइस आप भी आ रहे हो तो आप के स्टेशन पे ऑटो पकड़ना जरूरी है और ऑटो का मैं आपको बता दूँ 150 एक साइड का और वहाँ से एक साइड का 150 300 ट्रैवलिंग का ये जिसको भी आना है लोकेशन पर आप सब तो मैं चाह रहा हूँ और आप लोगों का व्यू दिखा हुआ कैसा है कैसा
तो चप्पल एरिया में आ चुके हैं। एक जगह ही नाम है इसका गाइस, समझ रहे हो। तो अभी यहाँ से पेंटिंग चालू होने वाली है, और पेंटिंग यहाँ मिनी है, मिनी गोवा बोलते हैं इसको, मिनी गोवा, क्योंकि पूरा कैथलिक लुक देते हैं इसलिए इसको मिनी गोवा बोलते हैं। सो अब पेंटिंग पर, मगर यहाँ लोकेशन भी अच्छा है गाइस फोटो शूट करने के लिए, शांत एरिया और फोटो शूट भी कर सकते हैं। और भाई तो पेंटिंग भी है, मगर यहाँ एक्टर पेंटिंग भी देखने को मिलेगी, ये आपको अभी दिखाता हूँ। देखो गाइस, ये दिख रही है क्या नहीं पेंटिंग, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। और यहाँ देखो छोटी मोटी पेंटिंग है, मगर इसका फिनिश भी बहुत बाकी है, तो आ जाओ आगे दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ ऐसे पेंटिंग है, यहाँ से स्टार्ट है। और भाई तो वैसे तो बहुत आगे पेंटिंग की पेंटिंग देखने को मिलेगी, तो चलो। ये देखो गाइस, इधर भी पेंटिंग है, मगर यहाँ का अभी फिनिश ही बहुत बाकी है करना। ये देखो ये मिनी गोवा, मगर मज़ा तो आ रहा है, एकदम साइलेंट जगह है। आपका यहाँ का व्यू दिखाऊँ थोड़ा बहुत, ये देख लो। तो आ जाओ आगे भी चलते हैं, पेंटिंग तो है इधर। ये देखो गाइस, आप देख लो ये पूरा पेंटिंग है, और मैं जहाँ पहले गया था वहाँ का भी सेम है, मगर अलग अलग है थोड़ा सा। ये देखो हंस रहा गया था, तो लाइक पसंद तो आ रहा है पेंटिंग, तो आगे भी है, मगर मैंने ऑटो वाले ने मेरे को आगे उतारा, क्योंकि वो मेरे को सही रास्ता भी लेके गया था। और इधर भी है, मगर है थोड़ा बहुत फिनिश अच्छे ही, मगर तो आ जाओ आगे भी। जो पेंटिंग की बात कर रहा था गाइस, मुझे कोई इधर है, ये मैंने देखा था सोशल मीडिया पे। और इधर चप्पल, ये जगह का नाम ही है चप्पल, इधर हाथी की भी है। और आ जाओ अंदर भी चलते हैं, यार लोकेशन तो बहुत ही अच्छी है। ये देख लो पूरा इधर पेंटिंग की पेंटिंग है गाइस, देखो आप। तो यार देखो पिक, ए भी पिक, ए पिक नहीं है, एक ही पिक है। तो आ जाओ आगे भी है, कवर करते जाऊंगा आज का ब्लॉग में, पेंटिंग पूरा दिखाऊंगा। फाइनली गाइस, भाई ने मेरा फोटो खींचा है, तो थैंक यू सो मच। भाई की आईडी नीचे दे दूंगा, इंस्टा पे भाई को ज़रूर फॉलो करना। आईडी का क्या नाम है? सिद्धांत। सिद्धांत, तो गाइस भाई को ज़रूर फॉलो करना। और थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो आधा तो हमने एक दो यहाँ फोटोशूट की है गाइस, तो आ जाओ आगे भी आपको दिखाता हूँ पेंटिंग कितनी है, कितनी नहीं टोटल। और जो एक है यहाँ पे अच्छी पेंटिंग है, ये जो बताया था वीडियो में प्रॉपर अभी तक है इसका ना, हफ्ते में और महीने में ना कवर होता है गाइस, चेंज होता रहता है इधर। आप जब आओगे तो कौन सा रहेगा वो मेरे को भी नहीं पता, तो आपको दिखाता हूँ बैक साइड से इधर भी पेंटिंग। ये देख लो गाइस, ये किसकी पेंटिंग है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और यहाँ गाइस आप फोटो शूट कर सकते हो, एल्बम बना सकते हो, रैप का भी शूट कर सकते हो आप। ये सर का नाम बताओ, मेरे को पता है, बस आपको मैं सुनना चाहता हूँ ये सर का क्या नाम है ये हीरो का। सो अब आगे भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ फिल्म सिटी से बहुत ऐसे कलाकार भी आते हैं इधर शूट करने के लिए, क्योंकि लोकेशन ही वैसी है। और जो मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में वो गाइस, ये देखो मेरे को ज़रूर बताओ। अभी आज ये है, अभी नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो कौन सा रहेगा वो भी नहीं पता, मगर यहाँ चेंज होता रहता है पेंटिंग। और यहाँ का व्यू कितना शांत है, सो आप इनके बारे में भी पता ना, ये भी बहुत बहुत पहुँचे हुए, बहुत ही पहुँचे हुए कलाकार है गाइस रियली। तो यहाँ भी एक तो फोटो शूट करते हैं गाइस, यहाँ का मैंने आता फोटो शूट कर लिया है कि यार फोटो शूट भी किया मैंने, एक तो मेरा इंस्टा पे फॉलो कर लेते हैं मेरे को देख के ना। मगर यहाँ का पेंटिंग देख लो आप, बहुत ही अच्छा है पेंटिंग, ये सब कलाकार की पेंटिंग है गाइस। सो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पेंटिंग के पास, तो चलते हैं देखते हैं, वो भी पेंटिंग बहुत ही मज़ेदार है। तो आओ, मैंने आपको जो जो बताई वीडियो में देखा मैंने वो पूरा यहाँ कवर किया है वीडियो में, तो आ जाओ हम दूसरी भी पेंटिंग आपको दिखाते हैं। ऑलराइट, तो एक और जो पेंटिंग है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही मज़ेदार यहाँ का व्यू है, पूरा मिनी गोवा रियली रियली है। तो मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ, बहुत ही वॉर्म है यहाँ का व्यू, तो चलो बैक साइड चलो जाते हैं गाइस।
यहाँ का व्यू लगता नहीं था बांद्रा में इतनी भी अच्छी लोकेशन होगी। ओनली ये लिंकिंग रोड और ये अपना बांद्रा से लिंक उतना तक ही, मगर ये नहीं पता था इतनी भी लोकेशन अच्छी अच्छी होंगे इधर। और जो देखो पेंटिंग एक और, ये देखो ये सर का भी नाम बताना कौन से, बहुत ही अच्छा एक्टर है गाइस, बहुत ही ज़्यादा बॉम एक्टर है, तो ज़रूर बताना मेरे को इनका नाम क्या है। मेरे को तो पता है, बस मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ। और यहाँ का व्यू देख लो गाइस, वहाँ से भी देखो कितना मज़ेदार व्यू पे, ये देखो। और सिनेमैटिक आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, किधर है बांद्रा में। तो और भाई तो यहाँ का लोकेशन भी बहुत ही ज़्यादा बॉम है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप आओ इधर जरूर आओ, मगर आज का ब्लॉग मेरा मीडियम ब्लॉग बना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया आज का ब्लॉग मैंने तो, मगर इतने सोचो इतनी चीज़ में इतना लंबा आया 150 का ऑटो वाले को दिया। इधर बता रहा हूँ वैसे आपको ना 150 लगता है आने का, ठीक है ना। सो अभी हम जा रहे स्टेशन, यहाँ से जाएंगे फिर स्टेशन, मतलब घर पे तो चलते स्टेशन के इधर और क्या। और वैसे तो यहाँ से पास ही है स्टेशन, बस को वहाँ से आने का तकलीफ हो गया था, अब यहाँ से वॉक करके भी जा सकते हैं। बहुत तो अपना फील कर करके गाना सुन सुन के आप जा सकते हैं वॉक करके, वैसे कोई इश्यू नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसा है ना कैसा है। तो आप आ सकते हो, पर हमको भी चल के में मज़ा आ रहा है, तो वॉक करके जाएंगे और क्या, चलते हो अपना बांद्रा स्टेशन पे मिलते हैं। ओके ऑलराइट, तो अभी बांद्रा स्टेशन पे आ चुके हैं। अभी ना गाइस मेरे को ना बहुत प्यास लग रही है, अभी मैं जूस पीऊंगा, फिर आगे का ब्लॉग आगे अभी जूस पीएंगे। अंकल गाना तो अच्छे से लगा, तो गाइस अंदर तो क्राउड बहुत है, हम इधर से अपना अभी पी के अपना आगे का ब्लॉग कंप्लीट करेंगे, ज्वेलरीज की दुकान है तो वहाँ भी जाना और चलते वहाँ भी पहले पी लेते थे चलते। और गाइस तो गाइस आपको कैसा लग रहा है, मैं कब से लेने को सोच रहा था बांद्रा में, मगर मैं आ नहीं पा रहा था, तो अंकल की दुकान इधर है, तो आपको मैं बैक साइड से दुकान है तो जो मैं आना चाहता था बांद्रा स्टेशन से एकदम सामने है। अंकल जी दुकान का क्या नाम है? मरियम कलेक्शन। कौन सा? मरियम कलेक्शन। मरियम कलेक्शन, और यहाँ कलेक्शन आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। फाइनली गाइस आप अंकल ने सब आपको वैरायटी दिखाया था, तो यहाँ भी आप देख लो, तो गाइस आपको हर चीज़ अवेलेबल है। ये मेरा था, ये मेरे हाँ, ये पैकअप कर किया है मैंने। तो आप अंकल की दुकान से आप एक एक्स वाई जेड सब मिलेगा, स्टेन से लेकर सब, तो मैंने आपको सिनेमैटिक में सब दिखा दिया है, और जो मैंने भी लिया था वो ये है, मुझे अच्छा लगा, बहुत ही फॉर्म है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये तो थैंक यू सो मच अंकल, तो चलो चलते हैं और आगे का ब्लॉग कंप्लीट।
फाइनली गाइस मैं निकल चुका हूँ घर की दुकान से भी, तो अपने अपने जगह का पहले मैंने ये फ्राई भी कर लिया है। बहुत ही ऑसम लग रहा है उसके ऊपर तो मैच हो रहा है गाइस, और ये बहुत सेक्सी भी लग रहा है। सो अभी हम जा रहे हैं चर्च के रजिस्ट्रेशन अपने घर पे। तो आज का ब्लॉग मैंने आपको बताया था मैं कहाँ तक के आया, कहाँ तक नहीं, फोटो शूट के लिए लोकेशन चाहिए था, इसमें लोकेशन पर जाके अभी आया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अभी सीधा आपको चर्च गेट पे, ठीक है? तो हम जाते हैं चर्च गेट पर आपको मिलते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद है। अभी मैं आ चुका हूँ चर्च के, अभी हमारा ब्लॉग इधर ही एंड होता है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, आपका कंटेंट हमारा ब्लॉग। तो आप भी जाना है तो आप जाओ, आप फोटो शूट वीडियो शूट बहुत कुछ हो सकता है, कर सकते हो। सो जाओ एंजॉय करो। तो ऐसे मिलते रहेंगे ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। अभी बाय बाय। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे, तो थक चुके गाइस, तो फिर बाय बाय। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप एंजॉय करते रहो, खुद एंजॉय करते रहो।